मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, बहुत कम समय में अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। जयंत चौधरी के इसी ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें पिछले कई दिनों से थी। संसद में भी वो अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह चुके थे और खुले में इशारा भी कर दिया था कि अब इंडिया से नाता टूटा, दादा को सर्वोच्च सम्मान के बाद एनडीए से बन गया रिश्ता। हालांकि सपा को आखिरी तक उम्मीद थी कि जयंत उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो जयंत विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं, सत्ता के साथ आ गए। मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव, हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, कि हमारे दल तक सीमित नहीं है, देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान है। लेकिन जयंत के लिए ये सफर इतना आसान नहीं है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि सीबीआई और ईडी के डर से आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी ईडी और सीबीआई के दबाव में हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। विधानसभा में उनके सभी 9 विधायक सत्र की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और 20 सत्र आते आते बीजेपी के साथ खड़े हो गए। इसे डर ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। हमारी तरफ से तो आरएलडी के साथ गठबंधन में कोई कमी नहीं रही। हमने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, विधानसभा में भी उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय लोकदल के 4 विधायक जो कि हमारे थे लेकिन आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते थे, वो हमारे संपर्क में हैं। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को बख्शने के मूड में तो कतई नहीं है। तो क्या गठबंधन टूटने से नाराज अखिलेश यादव और उनके नेता राष्ट्रीय लोकदल के विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि रविदास मेहरोत्रा की बात से तो ऐसा ही लगता है। लिहाजा जयंत चौधरी को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कभी अपने थे वो अब विपक्षी हो गए और पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।